तो भागवत जी में भी जहां पुराण के 10 लक्षण बताए हैं द्वितीय स्कंद के अंतिम अध्याय में, भागवत क्या है, भगवान का विग्रह है, तो पुराण के लक्षण से मतलब है साक्षात भगवान के 10 लक्षण बताए हैं। और उन 10 लक्षणों में जो चतुर्थ लक्षण है, चौथा लक्षण है, उसका नाम है पोषण। और पोषण से ही पुष्टि मार्ग बना है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, सुखदेव जी ने वहां कहा है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतयः। पहला लक्षण सर्ग है, दूसरा विसर्ग है, तीसरा स्थान है और चौथा है पोषण। तो बोले पोषण क्या है, बोले पोषणम तद अनुग्रह, भगवान की कृपा ही पोषण है, अनुग्रह ही वो पुष्टि, ठाकुर जी की अनुग्रह को, उनकी कृपा को ही पुष्टि कहा गया, उसी से जीव पोषित होता है, जीव का ठाकुर की कृपा से ही पालन होता है। भगवान ही भजन करने की, साधन करने की शक्ति देते हैं, अगर वो शक्ति न दें, वो हमारा पोषण न करें, तो हम कोई साधन थोड़ी कर सकते हैं। वो हमारी शक्ति का पोषण करते हैं, वो जो साधन करा लें वो हमसे होता है, जीव के सामर्थ्य की बात नहीं है। तो पोषणम तद अनुग्रह, भगवान के अनुग्रह को पोषण कहा और वही पोषण पुष्टि बना, जिसको पुष्टि मार्ग कहा। तो ये मार्ग भक्ति मार्ग को यदि कृपा मार्ग कह दिया जाए तो कुछ अनुचित नहीं है, गलत नहीं है। भक्ति मार्ग कह लो चाहे उसे कृपा मार्ग कह लो, उनकी कृपा से ही इस मार्ग पर चला जा सकता है। गोसाई जी महाराज ने कहा, सब आचार्यों का यही मत सिद्धांत है, चाहे वो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज हैं, चाहे वो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अति हरि कृपा जासु पर होई, पाय दे एही मार्ग सोई। जिस पर भगवान प्रसन्न होकर अतिशय कृपा की वर्षा करते हैं, वो ही भजन के मार्ग पर पैर रख सकता है, नहीं तो इस मार्ग पर चढ़ना भी ध्रुव है, बहुत कठिन है। तो भक्ति मार्ग को यदि कृपा मार्ग कहें तो ये कोई अनुचित नहीं है, भक्ति मार्ग का हो चाहे कृपा मार्ग, एक ही बात है, उनकी कृपा शक्ति से ही इस मार्ग पर चला जा सकता है। तो भक्ति मार्ग कृपा मार्ग, तो समझ में ये आया कि भाई जिस पर वो कृपा कर दे वही उनको प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न है कि वो किन पर कृपा करता है, किनका वर्ण करता है। तो बोले जिनमें वर्णीयता गुण होता है, जिनमें वो योग्यता है, वो उनका वर्ण करता है। तो वो योग्यता क्या है, कौन सा गुण है, तो वेदों में कहा है, तमक क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। यहाँ जो वेद का मंत्र है, विवृणुते त्वनुस्वाम, इस पर रामानुजाचार्य जी महाराज ने भाष्य बनाया। बोले भगवान किसका वर्ण करता है, किस पर कृपा करता है, जिस पर कृपा कर रहा है उसमें क्या गुण, क्या लक्षण होने चाहिए। तो बोले तमक क्रतु, पहली चीज वह निष्काम होना चाहिए, उसके अंदर कामना नहीं हो। वीत शोको, उसका शोक हर्ष आदि द्वंद्व चला गया हो। हम लोग तो थोड़ा सा मन के अनुकूल हो गया तो खूब हंसते हैं, मन का जरा सा प्रतिकूल हो गया तो खूब रोते हैं। तो वीत शोको, ये स्थिति हम लोगों के अंदर अभी नहीं है, जरा में रोएंगे जरा में प्रसन्न होंगे, लेकिन गुण ऐसा हो कि भगवान ने जैसी परिस्थिति दी उसे ठाकुर का मंगल विधान मानकर उसमें प्रसन्न रहा जाए। अब हर्ष है, शोक है, रोना गाना है, ये सब क्यों होता है, इसका मूल है हमारा अभिमान। भागवत जी में 11वें स्कंद में, 11वें स्कंद में कहा है, शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादय अहंकारस्य जन्मन्ते, अहंकारस्य दृश्यन्ते
जन्म मृत्युश्च नात्मनः। जीव आत्मा स्वरूप है। अब आत्मा ना रोती है, ना गाती है, ना हंसती है, ना कोई कार्य करती है, तो फिर हम हंस रो रहे हैं, ये कौन काम कर रहा है? बोले हमारा अभिमान। हमारा अभिमान ही रोता है, अभिमान ही हंसता है, अभिमान ही डरता है। जब मैं शरीर नहीं हूं तो मुझे किसका डर? जब मैं शरीर नहीं हूं तो मुझे कैसा दुख? मैं शरीर नहीं हूं तो मुझे कैसा सुख? हमने अपने आप में मैंपन आरोपित कर रखा है, जबरदस्ती मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, ये हम लोगों ने ये आरोपित कर रखा है जबरदस्ती। तो इसलिए 9 रोग होते हैं अभिमान से। अभिमान ही रुलाता है, अभिमान ही हंसाता है, अभिमान ही डरता है, अभिमान ही क्रोध गुस्सा करता है, शोक हर्ष भय क्रोध लोभ, अभिमान ही लोभ पैदा करता है, मोह अभिमान ही मोहित होता है, और स्पृहा अभिमान में ही कामना होती है, और जन्म मृत्यु हमारा अभिमान ही जन्म लेता है और अभिमान ही मरता है। आत्मा तो ना जन्म लेती है ना मरती है, भगवान ने गीता जी में कहा कई जगह, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। आत्मा तक तो इन सब बाह्य चीजों का कोई प्रवेश ही नहीं है। मान ही रोता हंसता सब कुछ, हमारा मद ही सब काम करता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में घुमाने वाला, पटकने वाला ये अभिमान ही है। जैसे एक कोई पेट में रोग हो जाए तो पेट के रोग से हजारों बीमारियां हो जाती हैं। अगर अभिमान एक रोग हो गया तो अपने आप हजारों रोग आ जाएंगे। इसलिए इसको सब रोगों का जड़ कहा गया, रोगों का मूल कहा गया अभिमान को। और नारद भक्ति सूत्र में तो देवर्षि नारद जी ने कहा है, ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। ईश्वर को अभिमान से बैर है और दैन्य से जितनी दीनता है प्रेम है। इस मार्ग में, कृपा के मार्ग में हम जितना छोटा बन जाएंगे उतनी ही ठाकुर जी की कृपा मिलेगी, उतना ही हम उनसे पोषित होंगे। अब जैसे बालक जब छोटा होता है तो उसको अपनी माँ की कृपा का भरोसा होता है। गोदी का बालक अपने आप ना खा सकता है, करवट भी नहीं बदल सकता, तो जब उसे अपनी शक्ति का कोई भरोसा नहीं है, माँ की शक्ति का भरोसा है, माँ की कृपा का भरोसा है, तो उसका हर काम माँ करती है, उसका मलमूत्र तक माँ धोती है। लेकिन प्रौढ़ भय तेई सुतपर माता होई ना पाछली बाता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई में कहा है, वही बेटा जब बड़ा हो जाए और अपने आप खाना पीना सीख जाए, फिर माँ थोड़ी अपने हाथ से खिलाती है। अब उसे अपनी शक्ति का भरोसा हो गया, अब माँ का भरोसा नहीं है तो अपने आप खाएगा, अपने आप कपड़े धोएगा, अपने आप सब कुछ करेगा। जब तक माँ का भरोसा है तो उसका हर कार्य माँ करेगी, उसका हर देखभाल है, उसका जीवन निर्वाह है, सबकी चिंता माँ को होगी। तो कृपा के मार्ग में केवल ठाकुर जी की कृपा का ही भरोसा रहे। अपना कोई बल, अपनी कोई शक्ति का कोई भरोसा नहीं होना चाहिए। कृपा मार्ग में तो जितना हम छोटा बनेंगे, जितना हम दीन बनेंगे, उतनी ही उनकी कृपा प्राप्त होगी। जितना दीन बनेंगे, दक्षिण भारत में एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था श्री लक्ष्मी नारायण आचार्य जी महाराज। एक बार इन्होंने विचार किया ठाकुर जी की कृपा का, बोले भगवान की इतनी कृपा हम जीव के ऊपर है, उन्होंने मनुष्य शरीर दिया, फिर मनुष्य शरीर की उपयुक्त वस्तुएं भगवान हमें देते हैं, ये हवा है, पानी है, हम लोग इनकी क्या मूल्य हम इनका चुका सकते हैं? एक मिनट अगर सांस ना आए तो संकट में पड़ जाए प्राण, आदमी मर जाए, पानी ना मिले तो प्यासा मर जाए, ये इतनी अमूल्य वस्तुएं हैं।
लेकिन उनको भगवान ने प्रदान किया, हम लोग उनकी कृपा का क्या ऋण चुका सकते हैं? कभी नहीं चुका सकते। तो एक बार लक्ष्मी नारायण चार्य जी महाराज मन में विचार कर रहे थे ठाकुर जी की कृपा का, कि कितनी प्रभु की कृपा हम जीवों के ऊपर है। 84 लाख योनियों में से मनुष्य जीवन उन्होंने हमें दिया, भजन साधन के लिए समय भी उन्होंने हमें प्रदान किया, सत्संग भी हमें दिया। तो कोई एक गिलास पानी भी देता है तो हम उसे धन्यवाद कहते हैं, उसके प्रति हम लोग कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और जिन भगवान ने सब कुछ दिया उनके प्रति तो हमारी कोई कृतज्ञता कभी होती ही नहीं है। तो लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज ने विचार किया कि भगवान के उपकार के लिए सबसे बड़ी कृतज्ञता ये होगी कि उनके शरणागत हो जाया जाए, अपना भरोसा ना किया जाए, तो ये सबसे बड़ी कृतज्ञता है। तो उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी की कृपा का चिंतन करते 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 इतने रोए, इतना रुदन किया, सोचने लगे कि हमसे तो एक कुत्ता अच्छा है, कुत्ता भी जिस दरवाजे की रोटी खाता है उसकी रात दिन चौकीदारी करता है, और हम लोगों की स्थिति जिन तन दियो ताही विसरायो ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। हम लोगों को सब कुछ प्रदान किया भगवान ने, उसके बाद भी कोई कृतज्ञता नहीं। तो सोच रहे हैं कि मेरे से तो एक कुत्ते की स्थिति अच्छी है, तो जब कुत्ता मेरे से ज्यादा कृतज्ञ है तो फिर मैं अपने आप को मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हूं। जब कुत्ता इतनी कृतज्ञता रखता है तो मनुष्य के अंदर तो अधिक कृतज्ञता होनी चाहिए। तो लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज ने क्या किया, उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि आज से मैं यह नहीं समझूंगा कि मैं मनुष्य हूं, मैं तो यही समझूंगा कि मैं राम जी का, श्री रंगनाथ भगवान का कुत्ता हूं। एक इतने बड़े संप्रदाय के, रामानुज संप्रदाय के आचार्य हैं, इतने बड़े मठाधीश्वर हैं, लाखों शिष्य जिनके हैं, इतना बड़ा परिकर है, और उसके बाद भी इतने दीन बन गए, इतने छोटे बन गए, ये सोचने लगे कि मैं तो राम जी का कुत्ता हूं, अपने आप को कुत्ता ही मानने लगे। और इतना ही नहीं, सब मठ मंदिर आश्रम सब कुछ छोड़ छाड़ के और लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज जंगल में जाकर रहने लगे। तो अब संध्या के समय जितने शिष्य परिकर था वो सब दौड़ा हुआ आया, अरे आचार्य कहाँ चले गए, आचार्य चरण कहाँ चले गए। ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे तो वहां वो उसी स्थिति में बैठे थे जैसे कुत्ता बैठता है। कितना कितना दैन्य, कितनी दीनता। अब सब चरणों में गिरे, हमसे क्या अपराध हुआ, आप मठ में पधारे, आप आश्रम में पधारे, आपके बिना सब कैसे व्यवस्था चलेगी। तो जो उनसे कहे तो उसको उसके सामने जाके कुत्ते की तरह भौंकने लग जाए। तो ये एक समझने की बात है कितनी दीनता, एक मठ के इतने प्रसिद्ध आचार्य और कैसी स्थिति पर आ गए। ये सोचकर कि कबीरदास जी महाराज ने कहा ना, कबीरा कुकुर राम का मोतिया मेरा नाम, और गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। बोले मैं तो राम जी का कुकर हूं, उनका कुत्ता हूं। राम जी की ने रस्सी, जैसे मालिक अपनी रस्सी पहना के रखता है, तो बोले उन्हीं के भक्ति रूपी रस्सी मेरे गले में पड़ी है, वो जिधर खींचेंगे उधर चला जाऊंगा, जिधर खींचे चला जाऊं से मतलब जहां बैठा रहे तिथि ही बैठूं, जो दे दे सोई खाऊं, जहां बैठा रहे तिथि ही बैठूं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी उन बिन पल ना रहा, बेचे तो बिक जाऊं, ऐसी शरणागति, ऐसा दैन्य। तो जब ऐसी स्थिति उनकी हो गई तो जितने शिष्य परे करते सब बोले, वो तो सोचने लगे कि इनको ऐसा लगता है किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है, और अगर ये हमें काट लेंगे, इस समय इनकी स्थिति बड़ी भयानक है, तो अगर हमें काट लेंगे तो हो सकता है हम भी इनकी तरह पागल हो जाए।
तो वो सोच रहे कि पागल कुत्ते ने काट लिया है और वो उनकी दैन्य की पराकाष्ठा है। तो सब शिष्य जो थे वहां से सब भाग भूग गए, और जो स्वार्थी शिष्य थे वो तो बड़े प्रसन्न हुए, चलो अब जल्दी गुरु जी के जिंदा रहते हमें अपना मठ आश्रम मिल गया, अब यहाँ के राजा अधिराज हम ही बनेंगे। तो अभी एक दिन ही हुआ था, रात्रि के समय स्वयं लक्ष्मी जी के साथ श्री रंगनाथ भगवान पधारे। वहां आए तो लक्ष्मी नारायणाचार्य जी के मस्तक पर प्रेम से ठाकुर जी ने हाथ घुमाया, और जब प्रभु को देखा तो आचार्य चरण उनको जैसे कुत्ता जब प्यार होता है तो मालिक को चाटता है, तो रंगनाथ भगवान को चाटने लगे अपनी जीव से। और उसके बाद ये प्रक्रिया ऐसी बनी रही कि प्रतिदिन दिन में दो बार मध्याह्न काल और रात्रि काल दो बार स्वयं रंगनाथ भगवान आते और अपना अधरामृत प्रसाद प्रतिदिन उनको खिला कर जाते, अपने हाथ से खिला कर जाते, क्योंकि जैसे बालक स्वयं नहीं खा सकता तो अपने हाथ से उन्हें खिला कर जाते। उनकी कृपा का कितना भरोसा और कैसी दीनता। एक दिन एक महीने तक ये लीला चली। श्री ठाकुर जी आए, प्रभु की इच्छा जोर से रंगनाथ भगवान ने उनको अपने आलिंगन किया, हृदय से लगा लिया, और ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त करते ही और उसी देह से सदैव पार्षद रूप को प्राप्त होकर भगवत धाम चले गए। और जिस समय आचार्य चरण भगवत धाम गए हैं तो उधर रंगनाथ जी की जब आरती हुई तो आरती में पुजारियों ने देखा रंगनाथ भगवान की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। तो पुजारियों ने पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं, क्यों रुदन कर रहे हैं, आज क्या कष्ट है? तो रोते हुए बोले, अब लक्ष्मी नारायणाचार्य जैसा भक्त इस पृथ्वी पर आगे हो नहीं पाएगा, जिसकी ऐसी दीनता, ऐसा दैन्य। बोले, श्वान वृत्ति ठाकुर के लिए ग्रहण कर ली, इतने दीन बन गए, इतने छोटे बन गए। तो चूंकि जितनी दीनता होगी, हम जितने छोटे बन जाएंगे उतना ही भगवान के द्वारा पोषण प्राप्त होगा, ठाकुर जी के द्वारा उतनी ही कृपा मिलेगी। एकदम कृपा का ही भरोसा है इस मार्ग में, उनके पोषण का, उनकी कृपा का भरोसा है। और हमारे वल्लभ कुल का तो बड़ा प्रसिद्ध पद है, दृढ़ेन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ेन चरणन के चरणन के रो भरोसो, दृढ़ेन चरणन के चंद्र छटा बिन सब जग मांझ मेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन के सब जग मांझ मेरो भरोसो। भजन से अपने तपोबल से उन्हें पालेंगे, बोले कभी नहीं पा सकते हो, उनके आश्रय उनकी कृपा से ही उन्हें पाया जा सकता है। साधन और नारिया कली में साधन और बोले क्या साधन तुम कर सकते हो, उनकी कृपा ना हो तो कोई कभी साधन नहीं कर सकता है। साधन और नाहिया कली
जासो होय निबेरो भरोसो दृढ़ न चरणन तेरो जासो होय निबेरो भरोसो दृढ़ न चरणन तेरो सूर कहा कहे द्विविध आंधरो 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 कितनी भिन्नता है सूरदास जी के शब्दों में बोले संसार तो एक ओर से अंधा होगा पर मैं तो दोनों तरफ से अंधा भीतर की आंख भी नहीं है बाहर की आंख भी नहीं है कितनी दीनता जबकि जो साक्षात श्रीनाथ जी जिनके साथ खेल रहे हैं साक्षात जिनको उनका लीला दर्शन प्राप्त हो रहा है और कई बार पुजारी बालकों ने उनकी परीक्षा भी ली प्रतिदिन ठाकुर जी के श्रृंगार के अनुरूप पद गायन करते थे सूरदास जी तो एक दिन ठाकुर जी को नग्न बिठा दिया तो वहां सूरदास जी ने पद गाया देखे री हरी नंगम नंगा जिन्हें साक्षात लीला का दर्शन हो रहा है और वो कह रहे हैं द्विविध आंध्रो बोले मेरी तो भीतर की आंख भी फूटी बाहर की तो है ही नहीं कितनी दीनता है जितनी दीनता होगी उतना ही पोषण ठाकुर जी के द्वारा मिलेगा और ठाकुर जी के द्वारा जीव पोषित हो यही है पुष्पी मार्ग सूर कहा सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को तेरो भरोसो दृढ़ चरणन के बिना मोल को तेरो भरोसो दृढ़ चरणन के इन चरणन के रो भरोसो दृढ़ चरणन के जितना दैन्य होगा मान का न होना और छोटे से छोटा बन जाए भगवान कोई साधन जीव ना करे यदि वह मान शून्य है तो भगवान की प्राप्ति तो वैसे ही हो जाएगी साधन से नहीं पा सकते क्योंकि हम साधन कम करते उसका अभिमान ज्यादा करते एक महाभारत में कथा प्रसंग मिलता है बहुत बड़े कोई तपस्वी ऋषि थे दिन रात तप करते हजारों वर्ष हो गए तप करते करते एक दिन स्वर्ग से बड़ी सुंदर अप्सरा आई उन्हें मोहित करने के लिए तो उस अप्सरा को देखकर उनका जो साधन भजन था तप था वो सब छूट गया और उसके रूप से मोहित होकर उसके साथ बस बिहार में लग गए रमण करने लगे अब इतना भोग में लिप्त हो गए कि कब सूर्योदय होता और कब सूर्यास्त होता उन्हें यह भी पता नहीं चलता दिन रात अप्सरा के साथ भोग होने लगा अब जब ऋषि का सब तप भोग से नष्ट हो गया तो एक दिन वो अप्सरा वहां से जाने लगी स्वर्ग को तो जब जाने लगी तो उन्होंने देखा रे सूर्यास्त हो रहा है देवी मैं तो आज संध्या वंदन करना भूल गया तो अप्सरा बोली अरे महाराज कोई आज पहली बार संध्या थोड़ी हुई है कितनी संध्याएं निकल गई आपको तो होश भी नहीं है बोले अरे कितनी संध्याएं निकल गई मैं कब से भोग में लिप्त हूँ बोले महाराज सैकड़ों साल हो गए इतना पश्चाताप मन में हुआ वही मूर्छित होकर गिर पड़े मैंने हजारों वर्ष तप किया और वो तप मैंने इन भोगों में नष्ट कर दिया मुझे तब भगवान नहीं मिले तो अब क्या मिलेंगे और ये सोच के मूर्छित हो गए
और जब मूर्छित हुए तो वहां श्री ठाकुर जी आ गए। भगवान ने अपने कोमल कोमल कर कमल से स्पर्श किया, हाथ से उनका मस्तक सहलाया, नेत्र खोलकर देखा तो साक्षात भगवान है। हे प्रभु, आप कैसे आए? मैंने इतने समय तप किया तब तो नहीं आए, और अब जब मैं विषयों से दूषित हो गया तब आप कैसे आ गए? तो ठाकुर जी बोले, ऋषिवर, आपने तप बहुत किया था, लेकिन तप के साथ तप का अभिमान भी बहुत आपके अंदर था। अब आपका तप नष्ट हुआ तो तप का अभिमान भी नष्ट हुआ। अब आपके पास कोई साधन नहीं है, पर अभिमान नहीं है, इसलिए आपको मेरी प्राप्ति हो गई। तो ये समझ में आता है कि साधन से भगवान नहीं मिलेंगे। अगर जीव मान शून्य है, अभिमान नहीं है, तो बिना किसी साधन के भगवान मिल सकते हैं। गर्व न कीजे बावरे हरि गर्व प्रहारी, गर्व ही से रावण गया पाया दुख भारी। जरन खुदी रघुनाथ के, बहुत सुंदर मलुकदास जी महाराज का पद है कि गर्व मन में न हो। साधन का गर्व हुआ नहीं कि सब साधन समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि वार्ता जी में भी कथा मिलती है, एक बार दो वैष्णव ठाकुर जी की रसोई बना रहे थे, तो वहां उनमें से एक जो वैष्णव थे वो सेठ थे, अच्छे धनाढ्य थे, धनिक थे, और दूसरे जो वैष्णव थे वो बेचारे गरीब थे। तो जब ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे थे तो वहां दोनों की रसोई में कुत्ता घुस गया। अब आप सब तो जानते हैं कि जब अपरस होता है तो उसमें तो अगर किसी दूसरे की दृष्टि भी पड़ जाए तो वो चीज़ अशुद्ध मानी जाती है, फिर वो ठाकुर के उपयोग में नहीं ली जाती। तो जब कुत्ता घुस गया तो सब उनका अपरस बिगड़ गया, और जब अपरस बिगड़ा तो अब गोसाई जी से प्रार्थना की, इतनी भारी रसोई बनाई, अब ठाकुर को भोग लगाएं न लगाएं। तो दोनों ने रसोई बनाई, दोनों की रसोई में कुत्ता घुसा, पर गोसाई जी महाराज ने उस सेठ को तो कहा तुम अपनी रसोई को फेंक दो, और उस गरीब को कहा तुम अपनी रसोई का ठाकुर को भोग लगाओ। बोले ये अलग अलग क्यों ऐसा उन्होंने, गोसाई जी महाराज ने कहा, किसी ने पूछा जाकर कि आपने कुत्ता दोनों की रसोई में घुसा, एक की रसोई आपने फेंकवा दी, दूसरे की भोग में ले रहे हैं, ऐसा क्या कारण? बोले सेठ की रसोई में अहम की दुर्गंध आ रही है। बोले इसकी रसोई में अभिमान की दुर्गंध है, इसलिए इसकी रसोई तो शुद्ध हो ही नहीं सकती, और ये बेचारा जो गरीब है इसकी रसोई में अभिमान की दुर्गंध नहीं है, इसलिए ठाकुर जी इसे स्वीकार करेंगे। तो अभिमान की दुर्गंध तो जो नारद जी ने कहा है, ईश्वर से आप अभिमान द्वेषित्वात्, ईश्वर भगवान को भी अभिमान से बैर है, और मान जितना जाएगा उतना दैन्य आएगा, और जितना दैन्य आएगा उतनी प्रभु की कृपा मिलेगी। दया दीनता दास भाव बिन मिले न कुंवर कन्हाई, साधु कृपा बिन श्याम कृपा बिन साधु संग बिन कहू कौन रति पाई। तो इस ये मार्ग जो है इसमें उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए दीन बन जाएं, छोटे बन जाएं। तो ठाकुर को भी दैन्य से बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है, और भगवान ने जो पोषण किया है वो उन महापुरुषों पे किया है जिनकी ऐसी स्थिति थी। कैसी स्थिति? बोले जो बिल्कुल मैया के गोदी का बालक बन गए, इतने छोटे जो बन गए, और जब बालक पूरा मातृशक्ति पर आश्रित रहता है तो उस समय इतनी माता की कृपा, इतना वात्सल्य, इतना करुणा उसे मिलती है माँ की कि गह शिशु बच्च अनल अहिधाई तहां राख ही जननी अरगाई। मानस जी में लिखा है छोटा सा बालक है, अबोध है, वो नहीं जानता, उसे समझ नहीं है कि आग में हाथ डालूंगा तो जल जाऊंगा या सांप को पकड़ूंगा तो वो काट लेगा, उसे समझ थोड़ी होती है छोटे बालक को। तो कहीं आग में हाथ डालने दौड़ता है, कहीं सर्प को पकड़ने दौड़ता है, तहां राख ही जननी अरगाई,
तो जब दौड़ता है तो माँ उसको तुरंत पकड़ लेती, अरे जल जाएगा, दूर रह, सर्प को मत पकड़। तो पलक की भांति रक्षा करती है माँ, जैसे पलक आंख से कोई तनखा नहीं लेती लेकिन 24 घंटे उसकी रक्षा करती है। सूरदास जी ने अपने पद में कहा, अब वे विपदा हो ना रही, मनसा करी सुमिरत हे जब जब, मिलते तब तब ही, लेते राख पलक गोलक ज्यों, त्रासन ते सब ही। बोले मैं तो जन्म से अंधा हूं पर भगवान ने मेरी ऐसे रक्षा की है जैसे पलकें आंख की 24 घंटे रक्षा करती है, चाहे रात है चाहे दिन है, कोई तिनका आएगा कोई तूफान चलेगा तुरंत आंखें बंद हो जाती हैं। बोले ऐसे भगवान ने मेरी रक्षा की है, ऐसे भगवान ने मेरा पोषण किया है। तो माता की गोद का बालक बन जाए, पदों में महापुरुषों ने कहा, कबीरदास जी का पद है, हरि जननी मैं बालक तेरा, बालक तेरा, हरि जननी मैं बालक तेरा, बालक। कबीरदास जी कह रहे हैं, बोले ठाकुर हमारी माँ है, हम उनके गोद के बालक हैं, हम स्वयं कुछ नहीं जानते हैं, वो खिलाएंगे तो खा लेंगे, वो जैसे रखेंगे वैसे रह लेंगे, इतना साधनहीन अपने आप को समझ लेना चाहिए। हरि जननी मैं बालक तेरा, बालक तेरा, जननी मैं बालक तेरा, बालक तेरा। अगर उनकी गोद के बालक बन गए, गोद का बालक मैया को लात मारता है, जब देखा होगा जब माँ दूध पिलाती है तो छोटा सा बालक उसको लात मारेगा, कभी उसके बाल पकड़ के खींच लेगा, पर गोदी के बालक का माँ अपराध बुरा नहीं मानती है और खुश होती है कि चलो अब यह हाथ पैर पटकना भी सीख गया, बुरा नहीं मानती है। तो जब ऐसे हम गोद के बालक बन जाएंगे तो हजार दोष भी ठाकुर क्षमा करेगा, हजार दोष अवगुण भी वो माफ करेगा, सब काम क्रोध जितने दुर्वृत्तियां हमारे अंदर हैं सब ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, पर कब, जब उनके गोद के बालक बन जाएंगे। हरि जननी मैं बालक तेरा, बालक तेरा, हरि जननी मैं बालक तेरा, बालक। कबीरदास जी आगे पद में कहते हैं, सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न तेते। बालक दिन में कितनी बार मैया को लात मारता है, अपराध करता है, पर माता के हृदय में उसका अपराध अपराध बनकर नहीं रहता, वो गुण बनकर रहता है। कर गई केश करे जो घाता, एक एक चीज का वर्णन किया, बोले कर गई केश, मैया के बाल पकड़ के कहीं खींचेगा, करे पद घाता, कभी छाती में लात मारेगा,
लेकिन तव ना हेत उतारे माता। फिर भी मैया उसे और छाती से लगाती है, बालक को गोद से नहीं उतारती, उसकी लात खाकर भी उसे छाती से चिपटाती है, बाल खींचे जाने पर भी प्रसन्न होती है। कहें कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। ठाकुर को अपने बालकों का, जैसे मैया को अपने बालक, अगर बालक को कष्ट है तो माता को अपने आप कष्ट होगा। अपना कष्ट उसे कष्ट नहीं लगता, पर बालक का कष्ट कष्ट लगता है। तो ऐसा वात्सल्य, ऐसी करुणा और ऐसा उनका पोषण पाने के लिए उनके गोद का उनका स्तनंधर शिशु बन जाए, इतने छोटे इतने दीन बन जाए। फिर हर एक चीज का ठाकुर जी उनको चिंता है, उनको ख्याल है। भगवान ने गीता जी में कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, प्रतिज्ञा वाक्य है भगवान का। और गीता जी का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य जिनको मेरा चिंतन है, जैसे बालक को अनन्य चिंतन अपनी माँ का होता है, ये भाव, बिल्कुल ये भाव वृत्रासुर ने अपने श्लोक में कहे हैं। वृत्रासुर जो कि असुर है, लेकिन जब वो भी इतना दीन बन गया तो उस दैत्य को भी पोषण प्राप्त हुआ ठाकुर जी का, उसे भी पुष्टि प्राप्त हुई। वृत्रासुर ने जब देवराज इंद्र से युद्ध किया है तो वहां वृत्रासुर के चार श्लोक, जिन्हें वृत्र चतुश्लोकी कहा गया है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने इन चार श्लोकों को पुष्टि सिद्धांत की नींव कहा है। जैसे बिल्डिंग में, मकान में अगर नींव मजबूत है तो मकान सैकड़ों साल खड़ा रहेगा, और अगर नींव कमजोर हो गई तो कितना ही ऊंचा मकान बना लो उसे गिरने में समय नहीं लगेगा। नींव मजबूत होनी चाहिए। तो उन्होंने तो पुष्टि सिद्धांत की नींव माना है चार श्लोकों को, और उन चार श्लोकों में वृत्रासुर ने वही बातें बताई हैं। भागवत जी में वृत्त चतुश्लोकी बहुत ही प्रसिद्ध है। वृत्रासुर ने वहां पहला श्लोक, त्रैवर्ग कायास विघात मस्मत पतिर विदत्ते पुरुषस्य शक्रः ततो अनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यः। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। देखो, चार चीजें होती हैं पुरुषार्थ चतुष्टय में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब जीव इस मार्ग पर चलता है तो भगवान उसके त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं। त्रिवर्ग कायास विघात मस्मत, त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों नष्ट कर देते हैं भगवान। कौन सा धर्म नष्ट करते हैं? जो लौकिक पारलौकिक सुख देने वाला है, ऐसा धर्म जिससे हमें स्वर्ग का सुख मिल जाएगा, ऐसा धर्म जिससे हमें बढ़िया भोग मिल जाएंगे, उत्तम खाने पीने रहने की सुविधा मिल जाएगी, उसको नष्ट करते हैं। दूसरी चीज, भगवान मनुष्य के अर्थ को, पैसे को नष्ट करते हैं। क्यों? बोले जिस पर जितनी कृपा है उतना उसका धर्म नष्ट करेंगे, उतना उसका अर्थ नष्ट करेंगे। और तीसरी चीज है काम। काम माने कामनाएं, भगवान कामना को नष्ट कर देते हैं। कामना मतलब इच्छा, वासनाएं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये सब कामनाएं हैं। अब कामना जब नष्ट हो जाती है तो चौथी चीज जो मोक्ष बचती है उसको वो स्वयं नहीं चाहता, तो मोक्ष भी नष्ट हो गया। तीन चीज भगवान ने नष्ट की, पर तीन चीज में कामना भी आई, और जब कामना नष्ट हो गई तो मोक्ष की कामना भी फिर नहीं रहती है, तो मोक्ष अपने आप नष्ट हो गया। तो बोले भाई ये तो कोई बात समझ में नहीं आई, धर्म का तो पालन करना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ तो हर जीव को अपने जीवन में एकदम प्रधान रूप से लेकर चलने चाहिए, और भगवान इनका नाश कर रहे हैं तो ये तो शास्त्र के विरुद्ध बात हो जाएगी। तो वहां वृत्रासुर ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, बोले ये तो साधारण धर्म अर्थ काम मोक्ष है, लेकिन वैष्णवों के भक्तों के धर्म अर्थ काम मोक्ष अलग होते हैं। लौकिक धर्म नष्ट हो गया तब परम धर्म वैष्णव का धर्म होता है, और वो परम धर्म क्या है वो वृत्रासुर भगवान से मांग रहे हैं। बोले अहम हरे तव पादैक मूल
दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेतासु पते गुणांस्ते गृणीतो वा कर्म करोतु काया। बोले हे प्रभु, इंद्र से युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो वहां वृत्रासुर प्रार्थना करते हैं, हे नाथ मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूं, मुझे मरना ही है इस युद्ध में, पर मरने के बाद यदि मेरा कहीं जन्म हो तो अगले जन्म में आपका दास नहीं, आपके दासों के दासों का दास बनने का सौभाग्य मुझे मिले। दासों के दासों का दास कितना दैन्य। बोले हम साक्षात भगवान के दास भी नहीं बनना चाहते, उनके भक्तों के भक्तों के भक्त बने। मन सदा आप में रहे, शरीर से सब क्रियाएं आपके लिए हों, वाणी सदा आपका गुणगान करे। बोले यह है वैष्णवों का धर्म, यानी शरीर मन और वाणी तीनों प्रकार से भगवान के लिए कार्य हो और उनके दासों का दासत्व हमें सिद्ध हो जाए, ये है भक्तों का धर्म। बाकी संसार में तो साधारण धर्म है, वैदिक धर्म भी सामान्य है, जैसे स्त्री के लिए पति सेवा करना ये सामान्य धर्म है, पातिव्रत धर्म है ये सामान्य धर्म है, बालक के लिए माँ बाप की सेवा करना मातृपितृ धर्म ये सामान्य धर्म है, या माँ बाप के लिए बालक की सेवा ये सामान्य धर्म है, लेकिन जीव के द्वारा हर कर्म भगवान के लिए हो ये परम धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। इसलिए वैष्णवों का धर्म यही है कि शरीर मन वाणी से ठाकुर के लिए कर्म हो और हमें उनका दासानुदास भाव प्राप्त हो, ये वैष्णवों का धर्म है। बोले वैष्णवों का अर्थ क्या है, तो वृत्रासुर कहते हैं ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहीय कांक्षी। बोले भक्त क्या पैसा चाहता है, द्रव्य चाहता है? बोले नहीं, भगवान देते हैं तो भी वो नहीं लेता। नाक पृष्ठ माने स्वर्ग, वो स्वर्ग नहीं चाहता। हम लोग तो सोचेंगे भाई अच्छे से अच्छा कर्म करें, स्वर्ग मिले, अच्छे लोगों का वैभव सुख मिले, पर वैष्णव जो है वो स्वर्ग नहीं चाहता। पारमेष्ठम माने ब्रह्म पद भी नहीं चाहता, और सार्वभौमम माने पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहता है, राजा बनना भी नहीं चाहता, चक्रवर्ती सम्राट बनना भी नहीं चाहता। रसाधिपत्यम रसातल का लोक भी नहीं चाहता, योगियों की सिद्धि भी नहीं चाहता, और अपुनर्भव माने मोक्ष भी नहीं चाहता है भक्त, तो कुछ तो चाहता होगा। बोले समंजसत्वा विरहीय कांक्षे, वो भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहता है, तो भगवान से बड़ा कोई धन हो सकता है? तो वैष्णवों का अर्थ भी भगवान है, उनका धन भी ठाकुर जी है। तो जब भगवान धन बन गए तो फिर बाकी चीजों की कोई महत्व बुद्धि नहीं रहेगी, फिर पैसे द्रव्य इनके प्रति कोई महत्व बुद्धि नहीं रहेगी। और महापुरुषों ने गाया इन सब बातों को, व्यास जी महाराज ने अपने पद में गाया परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत निषदिन बारंबार। बोले परम धन तो भगवान नाम है, ठाकुर हैं, युगल सरकार हैं, ये परम धन है, तो वैष्णवों का अर्थ भी भगवान है। फिर तीसरी चीज है काम, वो कामना क्या करते हैं भक्तों के मन में, कभी कोई इच्छा पैदा होती है कि नहीं होती है? तो बोले वो कोई संसार के पानी की इच्छा नहीं करते, भूखे हैं तो कभी वो भोजन की इच्छा नहीं करते हैं, प्यासे हैं तो उनके मन में पानी की इच्छा भी नहीं होती है। तो भाई कोई कामना नहीं होगी तो पुरुषार्थ चतुष्टय में काम की सिद्धि कैसे होगी? तो तीसरे श्लोक में काम बताया कि वैष्णवों का काम क्या है, भक्तों को क्या मांगना चाहिए भगवान से, क्या कामना करनी चाहिए। तो बोले अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियव विशतम विषर्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वम। बोले भक्त क्या चाहता है, क्या मांगता है? तो तीन उदाहरण दिए हैं यहाँ वृत्रासुर ने, और तीनों ही बड़े सुंदर हैं। बोले जैसे चिड़िया का जब
एकदम छोटा बच्चा होता है, अभी उसके पंख भी नहीं निकले, उसे उड़ना भी नहीं आया, चलना भी नहीं आया, बस घोंसले में पड़ा रहता है, तो उस समय चिड़िया दाना पानी लेने के लिए बाहर जाती है, तो वो छोटा सा बालक जो है वो केवल माता के आने की प्रतीक्षा करता रहता है, भूखा है, उड़ सकता नहीं, भोजन कहीं से ला नहीं सकता। तो ऐसे समय में पेड़ पे और भी जो जीव होते हैं, उल्लू है या और भी जीव हैं, कभी कभी सर्प आ जाते हैं, तो वो और आकर उस बच्चे को कष्ट देते हैं, उसे पीड़ित करते हैं। तो एक छोटा सा बालक हो, उसके चलने फिरने की सामर्थ्य ना हो, पास में माँ ना हो, ऊपर से भूखा हो, तो कितने बेसब्री से माँ का इंतजार वो करेगा, कितना धैर्य नहीं रख सकता वो, बहुत प्रतीक्षा करता है वो, किसी तरह से मैया आ जाए, दाना पानी लेके आए, और खाना भी नहीं जानता। छोटे बच्चे को चिड़िया अपनी चोंच से चोंच मिलाकर उसको दाना पानी खिलाती है। तो भाव ये है कि वृत्रासुर कह रहे हैं, प्रभु मैं साधनहीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप चाहें तो अपनी चोंच से मेरी चोंच में मिलाकर, जैसे माँ एक बालक को खिलाती है, वैसे ही आप चाहें तो मेरा पोषण कर दें, नहीं तो मेरी हिम्मत तो चलने फिरने की भी नहीं है। इतना जीव साधनहीन बन जाए, तो पहला उदाहरण वृत्रासुर ने ये दिया। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं प्रभु, जैसे वो पंखहीन बच्चा चिड़िया से मिलने को छटपटाता है, या गाय का भूखा बछड़ा अपनी मैया से मिलने को छटपटाता है। गैया चली गई है चरने के लिए, दिन भर चरती है, और जब संध्या का समय होता है तो कभी खिरक में जाकर देखना, छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं वो ऐसा उस समय रस्सी से बंधे हैं, पर ऐसा उस समय आसपास खूटे के नाचते हैं, ऐसा लगता है मानो रस्सी तोड़ के चले जाएंगे, इतना उनको धैर्य, मतलब इतनी बेसब्री उनको होती है उस समय, किसी तरह से माँ आ जाए और उसके स्तनों से हम दूध पान कराएं। तो वृत्रासुर कह रहे हैं प्रभु, दूसरा उदाहरण वृत्रासुर ने इसलिए दिया क्योंकि चिड़िया का बच्चा तो दाना पानी पाकर संतुष्ट हो जाता है, तो वृत्रासुर डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो मुझे भी भगवान कुछ दाना पानी दे दें और फिर मैं उनसे संतुष्ट हो जाऊं। बोले भगवान से तो कभी तृप्ति होनी नहीं चाहिए। तो दूसरा उदाहरण तुरंत बछड़े का दिया, बोले जैसे बछड़ा गाय का दूध पी पी के जीता है, वैसे ही प्रभु आपकी प्राप्ति के बाद भी मुझे आपका वात्सल्य रूपी दूध मिलता रहना चाहिए, मैं आपके वात्सल्य को पी पी कर, आपकी कृपा को पी पी कर संतुष्ट हो जाऊंगा। तो दूसरा उदाहरण बछड़े का दिया, फिर तीसरा उदाहरण दिया, वो और भी ऊंचा है। बोले प्रियम प्रिय व विषतम विषण्णा, जैसे एक पतिव्रता कोई स्त्री हो और उसका पति दूसरे देश चला गया हो, सालों बीत गए हो, तो पतिव्रता स्त्री का प्रेम जो है वो ना तो संयोग में कम होता है ना वो वियोग में कभी कम होता है, उसका प्रेम सदा एक सा रहता है, यहाँ तक कि वो मर भी जाएगी तो अपने पातिव्रत से पति लोक में चली जाती है, फिर जाके पति की सेवा करती है। तो वृत्रासुर कह रहे हैं, हे नाथ कहीं ऐसा ना हो मैं दाना पानी पीकर संतुष्ट हो जाऊं या आपका वात्सल्य रूपी दूध पीकर संतुष्ट हो जाऊं। बोले आपकी प्राप्ति हो तो भी मेरा प्रेम आप में उतना ही बना रहे, और आपकी प्राप्ति नहीं हो तो भी मेरा प्रेम आप में उतनी ही मात्रा में बना रहे। जैसे वियोगनी पत्नी का प्रेम संयोग और वियोग दोनों पक्षों में अपने पति के प्रति बराबर रहता है, वैसे ही मेरा प्रेम आपके प्रति, और जैसे वो स्त्री अपने पति से मिलने को छटपटाती है, सदैव उत्कंठित रहती है, वैसे ही मैं आपसे मिलने के लिए छटपटा रहा हूँ, उत्कंठित हो रहा हूँ। तीन उदाहरण दिए। तो वहां पंखहीन चिड़िया के बच्चे को उल्लू आदि पक्षियों से भय था, तो हम जीव रूपी जो पंखहीन या साधनहीन ठाकुर के बालक हैं, हमको किनसे भय है? तो यहाँ वर्णन है, हमें तापत्रय से भय है, तापत्रय रूपी उल्लू और सर्प हमें डस रहे हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तीन प्रकार के कष्ट होते हैं, और सारा जीवन हम लोगों का इस तरह से कष्ट में निकल जाता है,
आध्यात्मिक में भी दो भेद हैं, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है। तो हर व्यक्ति इन कष्टों में है, एकदम सुखी तो कोई नहीं है संसार में। तो बोले जैसे उस जीव को, उस पंखहीन बच्चे को उल्लू परेशान करते हैं, तो यहाँ हमको तापत्र परेशान कर रहे हैं। जैसे वो भूखा बछड़ा अपनी माँ से मिल नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि रस्सी में बंधा है। वैसे हम लोग भी ठाकुर से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि कर्मों की रस्सी में बंधे हुए हैं, कर्मों की रस्सी में बंधे हैं। और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने पति से मिलने के लिए छटपटाती है, अपने पति के वियोग में उसे कष्ट रहता है, वो दुखी रहती है, वैसे ही हम लोग काम क्रोध आदि विकारों से दुखी हैं। ऐसे समय में इस साधनहीन जीव पर केवल प्रभु की कृपा का ही भरोसा होता है। तो मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम, वृत्रासुर कह रहे हैं हे अरविंदाक्ष, हे कमलनयन प्रभु, जैसे ये तीनों अपने अपने प्रेमास्पद से मिलने को छटपटाते हैं, वैसे मैं भी आपसे मिलने के लिए छटपटा रहा हूँ। यानी भगवान से मिलने की तीव्र कामना मन में उदित हो जाए, ये ही वैष्णवों का काम है। यानी भगवान को छोड़कर दूसरी कोई कामना मन में ना आए, कृष्ण प्राप्ति की कामना से बड़ी कोई कामना नहीं है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करूं दिन राति, सुग्रीव जी ने कहा। तो ऐसी कामना हो। और चौथी चीज है मोक्ष। तो वैष्णवों का धर्म बताया, वैष्णवों का अर्थ बताया, वैष्णवों का काम बताया, अब चौथा वैष्णवों का मोक्ष बता रहे हैं। बोले मोक्ष क्या है? साधारण ज्ञानियों का जो मोक्ष होता है, जो मुक्तावस्था होती है, उस मुक्तावस्था में मोक्ष का मतलब है फिर जन्म मरण ना हो। लेकिन वैष्णवों का मोक्ष ऐसा नहीं होता, वो जन्म मृत्यु से नहीं घबराते हैं। वो तो कहते हैं प्रभु हजार बार जन्म लें, हम हजार बार मरें, पर एक प्रार्थना है, क्या? ममोत्तम श्लोक जनेशु सक्षम, आपके भक्तों में ही जन्म लें और आपके भक्तों के बीच ही मरें, फिर हजार बार भी जन्म लेना पड़े और मरना पड़े तो भी कोई मन में कष्ट नहीं है। क्या है मोक्ष की स्थिति? बोले उत्तम श्लोक जनेशु सक्षम, भगवान के भक्तों में हमारा सक्षम माने प्रेम हो जाए। अभी हम लोगों का प्रेम अपने पारिवारिक जनों में है, अपने रिश्ते संबंधियों में है, ठाकुर में वो प्रेम नहीं है, भगवान के भक्तों में प्रेम नहीं है, वो भाव नहीं है। तो उनके भक्तों में प्रेम हो जाए। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, ऐसे लोगों में प्रेम ना हो जो संसार में खुद भटक रहे हैं, और उनमें प्रेम होगा तो फिर हमें भी भटकना पड़ेगा, कर्मों के द्वारा भटक रहे हैं। और त्वन मायात्मात्मज दार गेहेशु आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात, हे प्रभु एक प्रार्थना यह है कि कभी भी मन में संसारी देह गेह के प्रति आसक्ति हमारी ना हो, मन संसार में न चिपके। भक्तों में चिपके तो कोई बुराई नहीं है, ध्रुव जी ने तो भगवान को पाने के बाद भी भक्तों में आसक्ति मांगी है। इससे पता चलता है कि भगवद आसक्ति से भी बड़ी है ठाकुर जी के भक्तों की आसक्ति, भागवत आसक्ति। भक्तों में किसी तरह से प्रेम हो जाए, किसी तरह से भाव हो जाए, तो भक्तों का मोक्ष क्या है? बोले भक्तों के बीच में बैठेंगे तो क्या होगा, कोई फालतू बात तो होगी नहीं, दिन रात आपकी कथा कहेंगे, आपका कीर्तन करेंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे, और हमारा तो यही मोक्ष है। तो देखा जाए तो ज्ञानियों को मोक्ष मरने के बाद मिलता है, पर भक्तों को मोक्ष तो जीते जी मिल जाता है। अब ये क्या है? मोक्ष सुखी तो है, हम लोग बैठकर उनकी कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और इसमें जो आनंद मिल रहा है, ये ही वैष्णवों का मोक्ष है। कथा कीर्तन में होने वाला जो आनंद है, दिव्य आनंद है, वो ही मोक्ष सुख है। इसलिए मीरा जी ने भी अपने पद में कहा, मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं, मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं, मैं
तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं कृष्ण कन्हैया गायो करूं गायो करूं मैं तो गायो करूं गायो करूं मैं तो गायो करूं मैं तो राम रमैया गायो करूं बोले भक्तों के बीच बैठ कर सिद्धार्थ आपके कथा कीर्तन का सुख हमें मिल जाए, फिर हजार बार जन्म लें लाख बार मरें उससे हमें कोई समस्या नहीं है, कोई जन्म मरण से कष्ट नहीं है, पर जहाँ भी रहें आपका कथा कीर्तन का सुख हमें मिलता रहे। मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूं तेरो ही उबिरन तेरो ही सुमिरन 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 मैं तो तेरो ही ध्यान ध्यायो करूं विरागी चलती रही थी, जहाँ चरण रखती वही नाचती थी, उनका चलना एक नृत्य था। तो बोले हमारी भी ऐसी उपासना सिद्ध हो जाए, ये भाव सिद्ध हो जाए कि हम चले ना, हमारा चलना भी आपकी नृत्य बन जाए, आपकी आराधना बन जाए। जहाँ जहाँ चरण धरो धरती पे जहाँ जहाँ चरण धरो धरती पे मैं तो तहाँ तहाँ ही नाचो करूँ मैं तो तहाँ तहाँ ही नाचो करूँ मैं तो कृष्ण कन्हैया गायो करूँ मैं तो कृष्ण कन्हैया श्लोक जनेशु सक्षम उत्तम श्लोक। जन कौन है? भगवान के प्रिय जन यानी भगवान के भक्त। उन जनेशु सक्षम उन जनों में उन भक्तों में हमारा प्रेम हो जाए और भक्तों के बीच में खूब नाचें गाएं कथा कीर्तन का सुख लें आनंद लें यही वैष्णवों का मोक्ष सुख है। तो सामान्य धर्मार्थ काम मोक्ष अलग है,
लेकिन भक्तों का भक्ति युक्त धर्म अर्थ का मोक्ष अलग है। तो तीन उदाहरण जो वृत्रासुर ने उस चतुश्लोकी में दिए हैं, उन तीनों उदाहरणों से यही स्पष्ट होता है कि जीव जितना साधनहीन और मानहीन बनेगा उतनी ही उसे कृपा की प्राप्ति होगी, वो उतना ही ठाकुर की कृपा का अधिकारी होगा और उनकी कृपा शक्ति से ही इस मार्ग पर चला जा सकता है। बिना कृपा के कोई पैर भी नहीं रख सकता, हम लोग सुन चुके हैं। कितनी ही दुर्वृत्तियां, कितने ही दोष, कितने ही अवगुण हमारे अंदर क्यों ना है, यदि अभिमान नहीं है, मान नहीं है, तो वो हजार दोष भी ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, अगर हम मान शून्य है तो। और देखें तो देखो, भगवान की कृपा करने की पद्धति ही कुछ अलग है। न जाने कब किस पर कृपा कर दें। अब देखो, दुर्योधन ने इतना सब कुछ ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनाए, लेकिन दुर्योधन का घर छोड़ के विदुर जी के यहाँ और केले के छिलके खाने प्रभु पहुंच गए। दंडकारण्य में बड़े बड़े ऋषि मुनिगण थे, बड़े बड़े ऋषि मुनिगण जो हजारों हजारों वर्ष से तप कर रहे थे, और उन सबको छोड़कर शबरी मैया के घर प्रभु पहुंच गए। और इतना ही नहीं, अयोध्या में जब गए हैं तो वहां प्रभु से पूछा गया, प्रभु आप 14 वर्ष में से कोई एक ऐसा दिन बताएं जो आपके लिए एक संस्मरण है, जो आपको सबसे अधिक प्रिय रहा हो और सबसे अधिक उसका याद हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक पद लिखा है, मिली मुनि वृंद फिरत दंडक वन सो चरचो न चलाई। अयोध्या में आकर एक भी ऋषि मुनि की चर्चा राम जी ने नहीं की कभी, और 12 ही बार गीध शबरी की बरनत प्रीति सुहाई, और बार बार अयोध्या में आकर केवल दो जनों की याद की है, एक तो जटायु की और एक शबरी मैया की, केवल इन दो को भगवान ने याद किया। क्यों? इतने बड़े बड़े साधन संपन्न ऋषि मुनि थे, उनकी चर्चा भी नहीं चलाई और उनकी बरनत प्रीति सुहाई, उनकी बड़ाई करते करते नहीं थकते, क्योंकि भले ही उनमें कोई साधन नहीं था पर वो मान शून्य थे, और भले ही ऋषियों में कितना भी साधन था लेकिन उनमें अभिमान था। और ठाकुर जी की तो कृपा की ऐसी रीति है, ऐसी उनकी पद्धति है, वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने एक पद में, बहुत सुंदर पद है। कौन प्रभु की रीति ऐसी, कौन प्रभु की रीति, बोले कौन सी ठाकुर जी की रीति है, वो कब किस पर कृपा कर दें, ये समझ में नहीं आता। कौन प्रभु की रीति ऐसी, कौन प्रभु की रीति, विरद है तू पुनीत परिहरी पावरन सो प्री। बोले ऐसा उनका विरद है, पुनीत परिहरी, पवित्रों को छोड़ देते हैं, तप जप तप करने वालों को छोड़ देते हैं, और पावरन संप्रीत, जो कुछ नहीं करते उन पापात्माओं पर, पावरों पर, दुष्टों पर भगवान का ज्यादा अनुग्रह होता है, ज्यादा कृपा होती है। इसका उदाहरण क्या है, बोले गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगा है। पूतना ने कौन सा साधन किया था, उल्टा भगवान को मारने के लिए गई, जहर पिलाने के लिए गई, लेकिन ऋषि मुनियों को जो कृपा नहीं मिली, और मात की गति दई ताही कृपालु यादव राय, और उस जहर पिलाने वाली को ठाकुर जी ने अपनी मैया बना लिया, उसे माता की गति दे दी। अब उनकी कृपा की पद्धति को कौन समझ सकता है।
फिर आगे उदाहरण देते हैं, नेमते शिशुपाल दिन प्रति देत गिन गिन गारी। शिशुपाल रोज गिन गिन के गालियां देता था ठाकुर जी को, एक नियम सा बन गया था, नेम थे और नियम से एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जो वो भगवान को गाली ना दे, और गिन गिन के गाली देता। और कियो लीन सो आप में हरी राज सभा मझार, और उस पर कितनी बड़ी कृपा की, उसकी गालियां खा खा कर भी शिशुपाल को अपने में विलीन कर लिया भगवान ने। शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली और ठाकुर के चरणों में समा गई। तो जिस जो गाली दे रहा है उसकी गाली खा खा कर भी उसे सारूप्य मुक्ति दे रहे हैं, उसे मोक्ष दे रहे हैं, उसे अपने आप में विलीन कर रहे हैं, सायुज्य मुक्ति दे रहे हैं, कौन ऐसी कृपा कर सकता है। फिर कौन तिनकी कहे जिनके सुकृत अरु अघदोए, प्रकट पातक रूप तुलसी शरण राखे सोए। बोले इनके पास तो पाप ही पाप था, कोई अच्छा काम नहीं था, शिशुपाल ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, पूतना ने क्या अच्छा काम किया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं उन लोगों पर जिन्होंने कुछ अच्छा भी किया है और बुरा भी किया है, जो केवल बुरा ही बुरा कर रहे हैं उन पर भी जब भगवान कृपा कर रहे हैं तो जो अच्छा बुरा दोनों कर रहे हैं ठाकुर जी उन पर कृपा क्यों नहीं करेंगे। एक पद में कहते हैं सूरदास जी, जाको हरी दृढ़ करी अंग करो, गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है, तो उसमें तुलसीदास जी ने आखिरी पंक्ति में कहा है, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोहत पंथ खरयो, ये मार्ग केवल खड़े रहकर उनकी कृपा की बाट निहारने का है। कब कृपा हो जाए, कब उनकी कृपा मिल जाए और किस के ही आचरण भलो माने प्रभु, सो तो न जान पायो, किस आचरण से वो प्रसन्न हो जाए ये भी पता नहीं है। महात्माओं ने कहा है यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर तो कई आचरण भलो माने प्रभु सो तो न जान पर्यो, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोहत पंथ खरयो। रघुनाथ जी की ठाकुर जी की कृपा का पंथ जोहते रहो, खड़े खड़े निहारते रहो। मीरा जी ने भी अपने पद में गाया, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, आली मेरे नैना बान पड़ी।
कई पदों में उन्होंने गाया। तो केवल उनके अनुग्रह का भरोसा करके, उनकी कृपा का भरोसा करके और इस मार्ग पर चला जाए। ठाकुर जी की कृपा शक्ति का विश्वास मन में होना ही पुष्टि मार्ग है, यही पोषण है। जीव साधनहीन है लेकिन यदि मन शून्य है तो सबसे अधिक ठाकुर की कृपा का पात्र होता है, अधिकारी होता है। और ये बात सर्वत्र है कि बिना उनकी कृपा से उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम लोगों ने जगह जगह से शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा इस बात को सुना, यत्र तत्र बहुत जगह, श्रीमद् भागवत जी में तो जगह जगह इस बात का वर्णन किया गया है। भगवत कृपा जीव को मिले, कृपा का वह कृपा के लिए प्रतीक्षित हो, जैसे तीन उदाहरण दिए वृत्रासुर ने, ऐसे हम लोग ठाकुर की कृपा शक्ति के लिए हम लोगों को भी बेसब्री से इंतजार होना चाहिए, प्रतीक्षा होनी चाहिए। तो इस तरह से इस मार्ग को सिद्ध किया जा सकता है, यानी इस मार्ग पर चला जा सकता है। पोषणम तद अनुग्रह, उनका अनुग्रह ही पोषण है, यही उनकी कृपा है। तो इसी के साथ आज की इस पवित्र चर्चा को हम यहीं विश्राम देंगे, क्योंकि अभी राधिकेश जी ये आपको ब्रज रस क्या है, वहाँ के जो ब्रजवासी हैं, जो रसियाओं के द्वारा ठाकुर को कैसे रिझाते हैं, कैसे उनका गुणगान करते हैं, तो ब्रज के रसियाओं में जो ब्रज रस भरा हुआ है, आपको वो एक रसिया सुनाकर और आप सब लोग उस ब्रज रस का आस्वादन करेंगे।